कि जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि जनसंघ को मैं कुचल करके रख दूंगा। मैं मुंगावली विधानसभा के मित्रों आज आपको यह बताना चाहता हूं कि उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर से कहा था कि जो नेहरू ने कहा है कि मैं जनसंघ को कुचल दूंगा, तो मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि उन्होंने इसको एक जनसंघ को कुचलने की बात की है, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जिनके दिमाग में विचार आया है हम उस विचार को कुचल देंगे और जनसंघ को कुचलने वालों को मैं आज ये बता देना चाहता हूं। ये उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने उस आंदोलन के दौरान कहा था, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता कुचलने की रही है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा इस दिशा में रही है। हम सबको ध्यान में है कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इस बात का उल्लेख कर दिया था और उसके बाद जनसंघ ने काम जब भारत के अंदर प्रारंभ किया था तो वो यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जेल के अंदर जब हुआ और धारा 370 के लिए भारत स्वतंत्र भारत के अंदर भारत को आजाद कराने के लिए जिन बातों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था, उनका बलिदान वहां की जेल के अंदर हुआ, उसके बाद जनसंघ की यात्रा प्रारंभ हो गई। और उस बलिदान को लेकर के पूरे देश के अंदर जब लोग इसको लेकर के आंदोलन खड़ा कर रहे थे, और हम सब लोग जानते हैं कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों पर किस प्रकार के प्रहार हुए थे, कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने का काम हुआ, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने वहां पर कश्मीरी पंडितों पर किस प्रकार के प्रहार किए थे, संपूर्ण देश के अंदर इस बात को लेकर के पुनन कश्मीर से लेकर उस समय की जो संस्थाएं, उस समय के लोग जो इसको लेकर के आंदोलन खड़ा कर रहे थे, उन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर जाकर के आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास राष्ट्रवादी विचार के लोगों ने उस समय किया था। मुझे ध्यान में, मैं जब विद्यार्थी था तब उसमें हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा उस समय के नौजवान भारत के अंदर लगा रहे थे। और 1990 के अंदर हालत ये थी इस देश के अंदर कि कश्मीर को अस्थिर करने का काम आतंकवाद के बल पर किया जा रहा था। लेकिन चूंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती, इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि आज उस महान व्यक्तित्व की जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए उन्होंने जो विचार दिया था और जिस विचार को लेकर उन्होंने बलिदान किया था। लेकिन मित्रों, हम सब लोगों को आज ये जानना पड़ेगा कि जिस विचार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विचार के लिए अपना बलिदान किया था वो विचार लगातार इस देश के अंदर पनपता रहा और अपना स्थान बनाते हुए आज मुझे गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि जिस विचार को लेकर राजनीतिक दल बना था जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना 1980 के अंदर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस विचार प्रेरित राजनीतिक दल की यात्रा पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुई। और आज मुझे कहने में गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना। एक और पंडित नेहरू जनसंघ को कुचल देना चाहते थे, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि हम उस विचार को, सोच को कुचल देंगे। और एक मध्य प्रदेश के अंदर मैं आदरणीय सिंधिया जी को बताना चाहता हूं, कल मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता जो उद्योगपति हैं, जो गलती से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जो केवल बल्लभ भवन के अंदर बैठ करके काम करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने कल कांग्रेस की बैठक में कहा था कि अब हमारा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन होगा। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे थे। तो आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी, मैं उनको याद दिला रहा था, कल मैंने कल की रैली में भी कहा था और आज फिर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आप याद कर लो, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर बैठ करके आपके इस चैलेंज के लिए तैयार है कि आप तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर खड़ा होकर के इसका जवाब देगा। मैंने कहा कि कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, जब इंदिरा गांधी जी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी 1975 के अंदर जब लगाई थी 25 जून को, तब हमको ध्यान में है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया जी
हमारी पितृपुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, बड़ा किया और खड़ा किया, राजमाता जी को जेल के अंदर डाल दिया गया था। और श्रद्धेय राजमाता जी को ऐसे स्थान पर जेल के अंदर रखा गया था जो सामान्य से सामान्य कैदियों की बैरिक होती है, लेकिन राजमाता जी ने कहा था कि इससे राजमाता डिगने वाली नहीं है। और राजमाता जी ने संघर्ष करते हुए कहा था कि जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके देश के लोकतंत्र की हत्या की है, एक दिन आएगा कि भारत के अंदर जो लोग जेल के अंदर है वो बाहर होंगे, और जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके, आपातकाल लगा करके देश के लोकतंत्र की हत्या की है, उनको जेल जाना पड़ेगा। और उनकी बात को दुनिया ने, भारत के लोगों ने स्वीकार करते हुए बाद में इमरजेंसी हटी और इंदिरा गांधी को जेल के अंदर जाना पड़ा। इसलिए मित्रों आज का दिन हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों आज मैं मंगावली विधानसभा के सब कार्यकर्ताओं से, सारे नौजवान साथियों से और जितने लोग आज रैली में जुड़े उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 2003 का वो कार्यकाल, दिग्विजय सिंह जो मिस्टर बंटाधार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सड़क बिजली पानी से लेकर के पूरी दुरावस्था मध्य प्रदेश की कर दी थी और जिसके कारण से मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मच गया था, बिजली पानी की इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी, किसान से लेकर आम लोग जिस बात को लेकर के प्रताड़ित और पीड़ित थे, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जब इसके खिलाफत करते हुए खड़े हो गए थे तो मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता का परिवर्तन हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गरीब कल्याण की ओर, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, गरीब, हर प्रकार के समाज वर्ग के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेकर के माननीय उमा भारती से लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने जो काम करने का प्रयास किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2003 से लेकर के लगातार हमारी यात्रा प्रारंभ जब हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना। किसानों को इतनी सुविधाएं मिली, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सिंचाई की सुविधाएं, सड़क बिजली पानी की सुविधाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारत को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जाल बिछा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर गांव गांव सड़कों से जुड़ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने के कारण से किसानों ने इतना उत्पादन किया कि आज मुझे मुंगावली विधानसभा के सभी किसान भाइयों को जो आज इस रैली में जुड़े हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने इतना काम किया, इतनी मेहनत करके इतना उत्पादन किया कि पूरे भारत के अंदर 5 साल लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीत करके पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने का काम मध्य प्रदेश के किसानों ने किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब बेटियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए संबल योजना प्रारंभ करके किस प्रकार से गरीबों के दिल जीतने का काम किया। लेकिन मित्रों आज समय बहुत कम है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी बोलना है और उनकी बात हम चाहेंगे कि पूरे क्षेत्र के हमारे लोग जरा गंभीरता से सुने, क्योंकि झूठ बोलने वाले जो नेतृत्व है, जिसमें पूरे देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी, जिसके बारे में रिकॉर्ड कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले व्यक्ति है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और इन 15 सालों का कार्यकाल और एक 15 महीने का कार्यकाल, कमलनाथ जी के नेतृत्व में गलती से सरकार बन गई और वो सरकार बनने के बाद जो इन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके जो काम मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया कि पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, इन्होंने आकंठ डूब करके जो सरकार ने काम करना प्रारंभ किया उसके आधार पर उसके ही मंत्री, उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, उनके मंत्रियों ने आंतरिक द्वंद्व, आंतरिक विरोध, ये जब इसके अंदर प्रारंभ हुआ इस सरकार के अंदर, कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई है, इस सरकार को कमलनाथ नहीं पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह कौन है मध्य प्रदेश की एक जनता जानती है, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया था, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबा दिया था। कानून व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उस समय डकैतों के राज का बोलबाला था, लेकिन आज मुझे बताने में गर्व है, मैं भी चंबल क्षेत्र का रहने वाला हूं, हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से डकैतों का राज था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद चाहे चंबल हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे श्योपुर से लेकर के वो जंगल हो,
जहां पर डकैतों का राज हुआ करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डकैतों को समाप्त करके जहां पर आतंक का साया था वह विकास की गंगा बहने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चंबल क्षेत्र के अंदर प्रारंभ हुआ था। और आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, क्या उसी चंबल क्षेत्र के अंदर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सभी नेतृत्व के कारण से आज चंबल एक्सप्रेसवे के माध्यम से नितिन गडकरी जी ने पूरी योजना बना करके चंबल के विकास की परिक्रमा कैसे बनेगी और उद्योग धंधों से लेकर के चंबल क्षेत्र के नौजवानों को अवसर कैसे मिलेंगे उसकी एक पटकथा लिख करके पूरे चंबल क्षेत्र के अंदर चंबल एक्सप्रेस वे का काम प्रारंभ करने का प्रयास कल ही माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर के नितिन गडकरी के साथ प्रारंभ कर दिया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके 15 महीने के कार्यकाल में क्या स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की बनी मित्रों, इसको लेकर के आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब पूरी मध्य प्रदेश की दुरावस्था को देखा, किसानों की स्थिति को देखा, किसानों से छल कपट किया गया, नौजवानों से छल कपट किया, हर प्रकार से जो परिस्थितियां बनी उन सारी परिस्थितियों में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिन सारी परिस्थितियों को देख करके कहा था और हमारे उस समय के कैबिनेट के एक मंत्री ने कैबिनेट के अंदर कहा था कि इन परिस्थितियों में कमलनाथ जी ये प्रदेश नहीं चल सकता। उन्होंने कहा था कमलनाथ जी ऐसे नहीं चलेगा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से दुरावस्था हो रही है और इस सरकार को पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटाधार चला रहे हैं, कैसे पैसा चला जा रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया था ये पैसा जो रेत और शराब का पैसा उत्खनन अवैध तौर पर पूरा जो हो रहा है वो ऊपर तक जा रहा है बल्लभ भवन के अंदर और बल्लभ भवन के ऊपर कौन बैठता है ये हम सब लोग जानते हैं। उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ बल्लभ भवन में ऊपर बैठते थे, वो तो कहीं निकलते भी नहीं थे। तो जिस प्रकार से सरकार की दुरावस्था इन 15 महीनों के कार्यकाल और 15 साल के माननीय शिवराज सिंह चौहान के उस समय के विकास की जो गाथा है और इन 15 महीनों में दुरावस्था मध्य प्रदेश की हुई है, इन सारे मुद्दों पर ये चुनाव जो अपने उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इन उपचुनावों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनता जनार्दन को आज हमको ये तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा। यह उन लोगों के भी चुनाव होगा जो देश के प्रदेश के लिए जिन्होंने विकास की गाथा गढ़ी है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और एक और चुनाव होगा जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार बना करके खड़ा कर दिया था कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम कर रहा है। इसलिए मित्रों हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा कि आगामी होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से, जो उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो सड़कों पर उतर जाएंगे, वो किसके लिए कहा था, अपने लिए नहीं कहा था, मध्य प्रदेश की दुरावस्था को देख करके कहा था और मध्य प्रदेश के हालात को देख करके कहा था। और हम सब लोग जानते हैं कि जब उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो इसको लेकर के जब कमलनाथ जी ने कहा था कि सड़कों पर उतर जाओ तो वो तो सड़कों पर उतरे लेकिन उनकी सरकार भी सड़कों पर आ गई। इसलिए उन्होंने इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीब जनता के कल्याण के लिए, उन गरीबों की योजनाएं जो इन 15 महीनों के अंदर उन्होंने बंद करके गरीबों के हक को छीन लिया था। अरे भाई मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मैं संसद के अंदर जब पहुंचा और वहां मैंने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सर पर छत देने का काम प्रारंभ किया था और कहा था कि गरीब को भी अपने खुद के मकान में घर में रहने का अधिकार है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना बनी। आवास योजना में मध्य प्रदेश के अंदर 2,43,000 घर सरकार ने भेज दिए, पैसा भेज दिया, 25% मैचिंग ग्रांट मिलती है। लेकिन मित्रों 25% मैचिंग ग्रांट कमलनाथ जी ने कह दिया कि हमारे पास नहीं है और 2,43,000 घर वापस कर दिए। आईफा बांट करने के लिए पैसा था, 700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे थे, आईफा बांट के लिए पैसा था, उसके लिए आपकी तैयारी थी, लेकिन गरीब लोगों के लिए उनको आवास मिलना चाहिए इसके लिए आपने उनको वापस कर दिया। 25% मैचिंग ग्रांट नहीं देना चाहते, आपने पैसे का बहाना लेकर के उन गरीबों के हक को भी छीन लिया, संबल योजना बंद करके उन गरीबों के हक को छीन लिया।
उन बेटियों के हाथ पीले होते थे, 25,000 रुपए माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार देती थी भांजियों के लिए, हाथ पीले करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, मैं मुंगावली वासियों को बताना चाहता हूं कि जिन बेटियों के हाथ पीले करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान 25,000 रुपए देते थे, कमलनाथ जी ने आते से कहा कि हम तो 51,000 देंगे, 25,000 से क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, भांजियों से भी झूठ बोल गए, भांजियों से भी झूठ बोल करके 51,000 तो छोड़ो, 1 रुपया किसी भांजी को नहीं दिया। और मैं सभी मुंगावली वासियों से कहना चाहता हूं, जो भांजियों से धोखा करता है उसके साथ क्या होता है। अपने भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कहा गया है, जो भांजियों से धोखा कर दे वो किसी के साथ भी जीवन में धोखा कर सकता है और वो कभी बच नहीं सकता। और इसी का परिणाम ये रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास, उनकी टीम के प्रयास को माध्यम से उनको सरकार से भी नीचे जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद जो 2 महीने में अभी 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, 100 दिन के कार्यकाल में जिस प्रकार की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खड़ी की है, मेरे मुंगावली वासी मित्रों, आप सब लोगों को इन 100 दिन के कार्यकाल की भी हम सब समीक्षा करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के दिल को जीतने का काम, संबल योजना प्रारंभ करके हर प्रकार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो प्रीमियम कांग्रेस की सरकार खा गई थी, कमलनाथ जी 2200 करोड़ रुपए को कमलनाथ किसानों के पैसे को खा गए थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने आकर के 2200 करोड़ बैंक के अंदर जमा किए, 2900 करोड़ रुपए का बैंक के द्वारा हर किसान को लाभान्वित होकर उनके खाते में पैसा पहुंच गया। कहां से आ गया पैसा? इसलिए आज इस वर्चुअल रैली में हम सब लोग अपने मुंगावली के क्षेत्र में कोने कोने के अंदर हमको अपने 100 महीने 100 दिन की कार्य योजना को, 100 दिन के अंदर जो अचीवमेंट सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किए, हम सब लोग मिलकर के इन सारी बातों को लेकर के जाएंगे। और आगामी विधानसभा के चुनाव में मैं एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मित्रों कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने कल जो इशारा किया है वो आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा टारगेट होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को तय कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुंगावली के क्षेत्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ, जो लोग बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके हमारी ताकत बढ़ करके परिवार की मजबूती हुई है, हम और मिलकर के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि आगामी होने वाले उपचुनाव के अंदर जो पहले चुनाव हमारे ब्रजेंद्र सिंह यादव जीते होंगे, अब उससे ज्यादा दुगने मतों से जीत करके कमलनाथ जी तुमको याद कराएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।